पर इस वक्त हमारी टीम आ पहुंची है सेवक रोड के प्लैनेट मॉल में। और यहां पे आने का मकसद क्या है मैं आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी में एक और नाम फिर से जुड़ चुका है। जी हां, नील डेविड्स हमने तो सुना ही है नील डेविड्स, लेकिन सिलीगुड़ी में ये इसका 13 आउटलेट है। तो चलिए अंदर चलते हैं और सबसे पहले लॉन्चिंग देखते हैं, उसके बाद यहाँ के जो हमारे ओनर है उनसे बात करेंगे, मैनेजर है उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है वो। तो चलिए चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नील डेविड के ओनर, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि इस नील डेविड की खासियत क्या है, उनके बारे में सब कुछ जानेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले सर, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका ये नील डेविड नाम रखने का मकसद क्या है। नील डेविड के पीछे नील तो मेरा नाम हो गया, नीलेंद्र से मैंने शॉर्ट फॉर्म में नील रखा है, और डेविड जो मेरा ब्रिटिश गॉडफादर है जिसने मुझे हेयर स्टाइलिंग ये दुनिया में आने के लिए उसी ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया है, तो मैंने उनका समर्पित होकर नील डेविड्स ब्रांड खुला है। क्योंकि लोग नील को किसने बनाए बोल के ना सदियों जाने बोल के नील डेविड्स ब्रांड मैंने ये नाम हम दोनों का कॉम्बिनेशन करके नील डेविड्स नाम रखा है। थैंक यू सर। और एक और क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे कौन कौन से आप लोग सर्विसेज देते हैं। यह हमारा अभी हेयर ब्यूटी और मेकअप, और अब आज से हमने नेल आर्ट भी शुरू कर रहे हैं। ओके, उसके साथ साथ हमारा ट्रेनिंग भी, स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग भी स्टार्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपकी टोटल, जैसे कि मैंने बोला कि 13 आउटलेट्स है, तो कहाँ कहाँ पे होंगे ये? हमारे पहले तो सिटी मॉल में है, हिलकार रोड में, प्रधाननगर में, सिटी सेंटर में, और शिव मंदिर में, और सालबारी में हमारी, और अब दार्जिलिंग में, बहुत मिला के लाइक ये सिलगुड़ी में, और एकेडमी हमारा जेम प्लेस में, सिटी मॉल में, इलकाट रोड में, और शिव मंदिर में, सिटी सेंटर में हमारा एकेडमी भी 6-7 यहाँ में। ओके, तो प्लैनेट मॉल में लॉन्च करने का मकसद क्या था? मेरा प्लैनेट मॉल का लॉन्च करने का मकसद, मैं लॉकडाउन से थोड़ा सा सबका बिजनेस हिल गया था, तो बहुत सारा हम लोग को भी, और मैंने इंडिया में एक अलग सा पहचान बनाया था सिलगुड़ी से। तो 250 स्क्वायर फीट का सैलून खोल के मैंने इंडिया में 3,000 तक स्क्वायर फीट का फ्रेंचाइजी ब्रांड बेचने का, जैसे पंजाब से लेकर दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, गुवाहाटी तक मैंने बेचा है। तो मुझे सिलगुड़ी से कहीं नहीं जाना है, मुझे सिलगुड़ी से आगे बढ़ना है। और सिलगुड़ी में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है दिल्ली बम्बई जाके, वो टाइप का सैलून खोलना था मेरा मकसद, और उस तरह का हॉस्पिटैलिटी, उस तरह का सर्विस देना था। तो मैंने ये द नील डेविड द सैलून लॉन्च लेके फिर आया हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली ये डिज़ाइन हुआ है ना, ये हमारा मयूर गर्ग ने इंटीरियर उनने डिज़ाइन किया है। तो मैं चाहता हूँ सिलगुड़ी में हम लोग और भी, मैं कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ बहुत सारे, तो एक एक बात करूँगा। और सबसे अच्छी बात है कि इस लॉकडाउन के दौरान भी, जैसे 6 महीने में हमने 8 सैलून फ्रेंचाइज खोले, रायगंज, कुचबिहार, अमृतसर, हैदराबाद, और बहुत टीम। और सबसे अच्छा चीज़ है कि हमारे बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनर हमारे साथ जुड़ गए, जो कलकत्ता से हैं, मिस्टर चंदन पात्रा एंड मिसेस रूमी पात्रा, दोनों एक टीम होके आ गए। उन लोगों ने न्यू टाउन में कल ऑफिस खोले हैं, हमारे ऑफिसल ऑफिस के पहले उन्होंने एक फ्रेंचाइज गुबाडंगा में खोल दिया है, नील डेविड्स को सुंदर सा गिफ्ट दिया है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं, एक अच्छा सा टीम डेवलप हो रहा है। सोरेन जी है मेरे साथ में जो मैनेजर है, और मेरा 19-20 साल का बेटा मेरा ब्रांड को ले केस को संभाल रहा है, नील डेविड्स को संभाल रहा है। तो सिलगुड़ी के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सिलगुड़ी छोड़ के जा ही नहीं सका। तो मैं चाहूँगा सिलगुड़ी को पूरा इंटरनेशनल जाने, एक दिन मैं पहचान कराऊँगा सिलगुड़ी को इंटरनेशनल लेवल में। यहीं से सिलगुड़ी में रह के मैं बाहर तक ये ब्रांड को सिलगुड़ी से बाहर तक ले जाऊँगा, क्योंकि मैं काठमांडू से नेपाल से आया था। तो सिलगुड़ी में जब मैं नेपाल से आया था, यहाँ के लोग ने मुझे इतना प्यार दिया, एक नेपाली है बाहर के आया हुआ, कभी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, उन्होंने मेरा हेयर स्टाइलिंग का टैलेंट दिया। मैं अब ले रहा हूँ मेरा एक्टिव हेयर स्टाइलिंग, एकदम पैशनेट हेयर स्टाइल, ठीक है? सिलगुड़ी के लोग को कैसा चाहिए, हम लोग गलत एडवाइस करके, क्लाइंट को गलत एडवाइस करके पैसा नहीं कमाते, हमको क्लाइंट को सही एडवाइस करके उनका हेयर, क्योंकि
इंसान के लिए हेयर अभी का पहले तो सिर्फ लेडीज के लिए था कि हेयर इज वाव, अब तो लड़का भी वाह 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 करते हैं, तो उनका हेयर का जिम्मेवारी नील डेविड्स के लिए है। हम लोग को पैसे के लिए नहीं, हम एडवाइस करते हैं उन लोग को किस तरह का ट्रीटमेंट करना है, किस तरह का स्टाइल रखना है, वो नील डेविड बताता है, ताकि हम काउंटर में पैसा बिल आज कितना हुआ बोल के नहीं करेंगे, आज हमारे क्लाइंट कितना खुश हुआ, हाउ द देयर हैप्पीनेस इज आवर अर्निंग। तो हम इस तरह से काम कर रहे हैं, नील डेविड का ही खासियत है कि हम आज मेरे इतना सेल्स हुआ नहीं, आज मेरे क्लाइंट कितना सेटिस्फैक्शन हुआ, कितना हैप्पी हुआ, वो मैं देखता हूँ, वो काउंट करता हूँ। और मेरे स्टूडेंट लोग जो ट्रेनिंग करके लंदन, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, बैंगलोर, इंडिया के हर एक कोने, दिल्ली में काम कर रहे हैं, कितने तो अमेरिका में सलून भी खोले हैं। ओके, तो इसको देख के ना अपना एक गर्व महसूस होता है कि इतना स्टूडेंट यहाँ से जाके वो लोग ने नील डेविड से सीख के हमारा नाम को भी ऊंचा रखा है। तो अभी हम लोग मेकअप और नेल में भी फोकस हो रहे हैं, मेकअप एकेडमी भी शुरू करने के प्लान में है, नेल्स एकेडमी भी शुरू करने के प्लान में, ताकि नील डेविड में आके कंप्लीट पैकेज लेके जाइए। ओके, इसमें हम लोग सब टीम में है, जैसे सुनीता राय मैम है, ओके, मीना नंदी और हमारा अर्पना जी है, हम सब सिटी सेंटर में चलाते हैं, वो लोग एकेडमी है सिटी सेंटर में, जेम्स पैलेस में एकेडमीज है। तो मैं एक टीम पर विश्वास करता हूँ, अच्छा टीम होगा तो अच्छा बिजनेस बढ़ेगा। तो हमने आज तक सिटी सेंटर से लेके प्लैनेट मॉल से लेके जहाँ भी हो, नील डेविड क्वालिटी पे ध्यान देता है, क्वांटिटी पे नहीं। सो ये हमारा खासियत है नील डेविड का। ओके, तो नेपाल से होते हुए सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से होते हुए ऑल ओवर इंडिया में नील डेविड एक अलग ही पहचान बना चुकी है। सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से होते हुए पूरे इंडिया में नील डेविड एक अलग ही पहचान बना चुकी है, तो इसके पीछे आपकी फैमिली का कैसा हाल है? मेरा फैमिली हर मोड में मेरे सपोर्ट रहे हैं, जैसे मेरे मदर जिसको फैशन का कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन फैशन की बात आते तो वही मुझे उंगली खड़ा करके बोलती है, तुम आगे बढ़ो, तुम 100 ब्रांड बना सकता है, तू 200 ब्रांड बना सकता है, मेरा बेटा वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड बनाने का काबिलियत रखता है बोल के। उसको पता नहीं है क्या सलून में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इसको मेरे माँ को इतना काबिलियत पता है कि मेरा बेटा कर सकता है, तो इतना ही पता है मेरे माँ को। और मेरे फैमिली, मेरे वाइफ, मेरे दीदी, अभी देखा है आप लोग ने, सब लोग, मेरे बेटा, सब लोग फैमिली के बगैर तो देखे एक सक्सेस होने के पीछे बिना फैमिली का, और फ्रेंड्स का भी, मेरे फ्रेंड्स भी, मैंने सिलगुड़ी में आके बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स अर्न किए हैं, उन लोग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो हमारे साथ इस वक्त जो जुड़े हुए हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हुए लाइक आप भी आए हैं हमारा सिलजरिए भी, मैं ये सब न्यूज दे रहे हैं, तो आप लोग नहीं होते तो जो मेरे अंदर का एक ख्वाहिश है वो बाहर नहीं जाते। तो आई एम सो मच थैंक फॉर ऑल मीडिया हु केम टू सपोर्ट मी, हियर मी, नॉट सेइंग दैट द नेपाली बॉय, सेइंग दैट अ स्मॉल विलेज बॉय हु कैन मेक द हिस्ट्री टुमारो, दे आर कमिंग टू चेयर अप दैट थिंग। सो मैं इतना खुश हूँ कि सिलगुड़ी के मीडिया जब आते हैं ना, अपने घर के फैमिली जैसे लगते मुझे, तो उनके साथ बैठ के बात करना इतना, मैं तो इंडिया में जा भी कम्फर्टी होता हूँ पर मोर कम्फर्ट में सिलगुड़ी में होता हूँ। तो सब लोग मुझे आज मेरे पास सब कुछ जुड़ रहे हैं, लाइक पंजाबी, बंगाली, मारवाड़ी सब मेरे बिजनेस में जुड़ रहे हैं, मुस्लिम सब कुछ जुड़ रहे हैं, हम लोग लाइक अलग कास्ट नहीं, एक यूनिटी हो रहे हैं नील डेविड को आगे ले जाने के लिए ब्रांड को। और सबसे खासियत है हम लोग ने बहुत बच्चों को फ्री ट्रेनिंग करा के जॉब दिया है, और हमारे पास अभी इंडिया में आप 500 से ऊपर लोग जॉब करते हैं, वो भी ये आप लोग के एरिया के इंडियन कम्युनिटी से, और नेपाली, बंगाली सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 500 लोग काम करते हैं। एक लड़का ने 500 रोजगार देने का एक सपना भी देखना, लेकिन मैं ये सपना अधूरा नहीं छोड़ूंगा, इसको इंडिया में मेरा 5000 का सपना है, मैं 5000 इंडियन को रोजगार देने का मेरा वादा है, नेपाल में भी मैं 5000 का वादा किया हूँ इन कमिंग 2025। नील डेविड सर के बारे में बहुत सुना था, उसके बाद एक स्मॉल विलेज से एक कोई आज आके इतना सक्सेसफुल ब्रांड बना सकते हैं, और ये ब्रांड सिर्फ नॉट ओनली नेपाल, ये ब्रांड एक्सपेंशन अभी इंडिया में हुआ है सिलीगुड़ी में, और इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इनफैक्ट कोलकाता में हमारा ऑफिस ऑलरेडी ओपन हो चुका है, एंड ऑलरेडी
वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारा इंक्वायरीज़ हैं, रांची बिहार बहुत सारा इंक्वायरीज़ हैं। सो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विद इन दिस ईयर हम लोग और भी 15-20 सलोन्स ओपन करना चाहेंगे, और हमारा मकसद ये है कि एटलीस्ट 500 सलोन नील डेविड सलोन हो। तो इस वक्त हमारे साथ जो चुके हैं नील डेविड, जो हमारे ऑनर है उनकी मदर, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे कि इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद उनका क्या कहना है। तो सबसे पहले मैम कांग्रेचुलेशन कि आपके बेटे इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं, इनका नाम कमा रहे हैं, तो आपको क्या कहना है? कैसा लग रहा है आपको? बहुत राम्रो छ जी, खुशी लाग्यो, दुखी लाग्यो, धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु। सबै जना जोडेको छ, छोरा छोरी हैन, क्योंकि आपके बेटे इतने अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके, इतना नाम कमा रहे हैं। नाम तो कब बताए? अनि लौ छोरालाई आशीर्वाद दिएको छु, बहिनी राम्रो होस् यहाँदेखि बढोस्, अब के भन्नु हैन। तो देखा आपने नील डेविड, और ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये है सेवक रोड के प्लैनेट मॉल में सिचुएटेड नील डेविड, और ये 13 आउटलेट है सिलीगुड़ी का। तो आज इसकी लॉन्चिंग हुई थी जैसा कि हम सभी ने देखा। तो अगर आपको भी आना है इस सैलून में, और यहाँ पे नेल आर्ट भी ऐड हो चुका है, ब्यूटी के साथ साथ नेल आर्ट भी ऐड हो चुका है हेयर ब्यूटी के साथ, और यदि आपको भी आना है तो आप ज़रूर आए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सेवक रोड के प्लैनेट मॉल में सिचुएटेड है, ग्राउंड फ्लोर पर ही है ये। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए।